बेबाक अंदाज, बेखौफ जुबान, मेवात आज तक। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के दौरान उमड़ी भीड़ का असर अब कोरोना वायरस पर दिख रहा है। राज्य में कोरोना की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है और तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में पश्चिम बंगाल में कोरोना के 990 मामले सामने आए हैं। दुर्गा पूजा से पहले तक यही आंकड़े 600 से 700 के बीच आ रहे थे। 4 अक्टूबर के हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक राज्य में कोरोना के 601 मरीज मिले थे। वहीं 5 अक्टूबर को यह आंकड़ा 619 था। सबसे ज्यादा कोरोना मरीज कोलकाता और आसपास के शहरी इलाकों से आ रहे हैं। इनमें भी सबसे ज्यादा 273 मरीज सिर्फ कोलकाता में पिछले 24 घंटों में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक दुर्गा पूजा में जिस तरह भीड़ उमड़ी थी, उसी से अंदेशा लगाया जा रहा था कि कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं और अब परिणाम भी सामने है। डॉक्टर कुणाल सरकार के मुताबिक बंगाल सरकार ने दुर्गा पूजा के वक्त जिस तरह लोगों को आमंत्रित करने जैसा संकेत दिया और खासतौर पर TMC सरकार के मंत्रियों की दुर्गा पूजा में जिस तरीके से भीड़ को बुलाया जा रहा था, यह बेहद गैर जिम्मेदाराना हरकत थी। डॉक्टर सरकार के मुताबिक बंगाल सरकार के आंकड़े भी पारदर्शी नहीं है, खासतौर पर जिला स्तर पर कितने बेड उपलब्ध हैं यह भी साफ नहीं है। ऐसे में सरकार का और पारदर्शी होना होगा और वैक्सीनेशन बढ़ानी होगी। दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।